हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है पलक से एवरीडे ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, तो मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग दे रही हूँ क्योंकि मेरा तबीयत भी ख़राब था और मैं कहीं घूमने भी गई थी। उसके बाद आते के बाद मेरा तबीयत पूरा ख़राब था, इसीलिए मैं बहुत लेट से ये वीडियो दे रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं गई हूँ कहीं नई जगह और देखिए ये मॉल है, बहुत ही बड़ा मॉल है, बहुत ही अच्छा लगा। जिसको पता है तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए अंदर चलते देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अंदर चले आए हैं। ये परफ्यूम का सेक्शन था और यहाँ मेरे हस्बैंड बोले थे कि इतना बड़ा मॉल है जो होता है ना, रेंट कितना होता होगा, तो उसे बोल रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि हमारे यहाँ भुवनेश्वर में है मॉल, लेकिन इस तरह का नहीं है, थोड़ा दूसरा टाइप का है। बड़ा मॉल है लेकिन ये तो कुछ अलग ही टाइप का था, एक्सपीरियंस था। तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब सामान के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि सामान नहीं है, सब हमारे यहाँ भुवनेश्वर में सब मिल जाता है, लेकिन वहाँ भी कुछ अलग था। नया जगह ना, बहुत कुछ अलग होता है। देखिए विवाह का सेक्शन है, हर जितना ब्रांड आप ढूंढ सकते हैं ना, जो जो ब्रांड आपके मन में है और सब ब्रांड का यहाँ मिल रहा था। और देखिए यहाँ जो छोटे छोटे कार्टून कैरेक्टर होते हैं ना, वो उसका भी यहाँ जो डॉल मिल जाते हैं, जो बनाया हुआ है डेकोरेट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें घर के लिए। इतना अच्छा लग रहा था ना, हम गए थे लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि हमारा ट्रेन का टाइम भी हो जा रहा था। तो देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत, फिर भी मेरी बेटी एक छोटा सा आधा कुछ ले आई। और देखिए साड़ीज, ये तो मतलब कि लेडीज़ के लिए क्या ही बताऊं, फिर भी मैं पहले से ही साड़ी खरीद ली थी ना, तो इसीलिए थोड़ा नहीं खरीदी। तो आप लोग थोड़ा देखिए और मुझे बताइए कैसा लग रहा है। मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ क्योंकि ये मेरे लिए पहली बार है, पहली बार मैं बाहर गई थी तो अच्छा लग रहा था। देखिए और देखिए, मैं थोड़ा अपने आप को दिखा रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। ये मेरे हस्बैंड और पलक सी मेरी बेटी, वो दोनों देखिए, थोड़ा बाप बेटी मुझे छोड़ के ही जा रहे हैं जहाँ देखो। और इतना अच्छा लग रहा था फ्रेंड, देखिए आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं क्या बताऊं, मन ही नहीं भर रहा था और हस्बैंड बोले नहीं टाइम हो गया है तो चलते हैं, फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स। देखिए मैं आके खड़ी हो गई और ऊपर नीचे, ये है बेंगलोर का लुलू मॉल, जो गया है तो बेंगलोर उसको पता है। तो आपका सस्पेंस मैं खोल ली हूँ कि ये बेंगलोर का लुलू मॉल है, स्टेशन के पास ही होता है और बहुत ही बड़ा मॉल है, बहुत ही अच्छा चीज़ें है। मतलब कि इतना भी, मतलब कि हमारे जैसे मिडिल क्लास जैसे लोग भी उसमें खरीद सकते हैं फोन, सब चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे मैं अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस लाई, वैसे हमारे यहाँ भी वो सेम टाइप का ड्रेस मिल जाता है लेकिन कहीं गए ना फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ मार्क्स भी है, मतलब कि जितना ब्रांड ट्रेंड्स मार्क्स बोलो कुछ बोलो, जो भी ढूंढ लोगे ना हर एक चीज़ यहाँ मिल जाता, ब्रांड और जो मॉल, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ देखिए, मुझे ना स्पोर्ट्स की चीज़ें बहुत ही पसंद है लेकिन टाइम नहीं था तो मैं नहीं ला पाई। और ये देखिए पुमा का है, तो हस्बैंड और बेटी अंदर गए हैं देखने के लिए, भी टाइम नहीं था, अंदर जाऊँगी ना तो मेरा मन करेगा ख़रीदने के लिए, और कुछ भी खरीदो तो थोड़ा टाइम लगता है ना, इसीलिए मैं बाहर बाहर से ही ये बना दे रही, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को फाइनली दिखा दी हूँ लुलु फैशन स्टोर, ये बेंगलोर में है, स्टेशन के पास ही है। तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब कि वहाँ स्टाफ हमारे उड़ीसा की एक सिस्टर हमको मिल गई थी, तो उसके साथ बात करके वहाँ वो वहाँ ना वो काम कर रही है, इसीलिए बहुत ही अच्छा लगता है। कहीं जाओ तो नए लोगों, मतलब कि अपने जगह के लोग मिल जाए ना, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए मतलब क्या बोलूँ फ्रेंड्स,
यही नया जगह और ये मेरा नया एक्सपीरियंस। आप लोग भी कमेंट करिए, और जो वहाँ के लोग तो गए होंगे और देखे होंगे नायका का है, अभी देखिए नायका का है। और जहाँ यहाँ के लोग जो नहीं होंगे, जो कभी जाएंगे तो ज़रूर आप लोग जाइएगा, क्योंकि स्टेशन के पास ही है, बहुत ही पास है, पूरा पास है। इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें ना मतलब ओपनिंग सून लिखा था, मतलब वो ओपन नहीं हुआ है, जल्दी ही ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये लोग, और ये हो गया, ये एंट्रेंस में ही है साइट में। तो हम लोग पलक से हाय बोलिए, देखिए नीचे ही ट्रेन से है। और अब हम लोग का ख़त्म हो गया है, और हम लोग एग्जिट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। मुझे तो और भी देखना था लेकिन टाइम भी नहीं था, तो क्या करें फ्रेंड्स, हस्बैंड बोले कि नहीं और टाइम नहीं है, चलो। तो आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये देखिएगा आगे। ये पूरा शूज का सेक्शन था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ना कितना खूबसूरत खूबसूरत शूज है, और फुटवेयर जितना ढूंढो ना, मुझे फुटवेयर भी बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स और फुटवेयर मतलब शूज ज़्यादा पसंद है, ये बाटा का है। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं, अभी अभी रिटर्न करने का टाइम हो गया है। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियो लाऊंगी फ्रेंड्स, मैं जहाँ जहाँ घूमी हूँ तो आप लोगों के लिए ये वीडियो सब दूंगी, क्योंकि टाइम नहीं मिला था एडिट के लिए, तो इसीलिए नहीं दे रही थी, तो अभी दूंगी। तो प्लीज़ जो वीडियो का अच्छा लगता है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आगे वीडियो को देखिए, कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। यहाँ ना इतना था, ड्रेसेस, कॉस्मेटिक, शूज, कुछ बोलो, मतलब कि एक से बढ़कर एक चीज़, मतलब मन कर रहा था कि सब खरीद ले, लेकिन सब खरीद नहीं सकते, एक दो चीज़ खरीद सकते हैं। ये लेडीज सेक्शन है, देखिए बहुत ही अच्छा चीज़ है सब था। और फ्रेंड प्लीज़ रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पलक सी बीच बीच में आ जाती है, वो जहाँ बाहर जाएगी ना उसके पापा के साथ ही घूमेगी। पलक से मुझे बुलाने आई थी, बोल रही थी कि मम्मी वो ना आपके लिए बॉटम है बोल के बुला रही थी, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए था। मैं तो कैमरा पकड़ पकड़ के घूम रही हूँ, क्या करूँ, मतलब थक घूम घूम के थक के पूरा हालत ख़राब है, ऐसे भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए मुझे, मेरा चेहरा पूरा उतरा हुआ, सूखा हुआ, सब हुआ। पहली बार हम फैमिली, मतलब हम तीनों के ही बाहर गए थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए हो गया हमारा वापसी स्टेशन की ओर, और चले गए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय जगन्नाथ, लव यू ऑल।